ले तो सकती हो अपने उसमें। अरे नहीं चुप कह रहा है, मैंने सलमान मेरे खान हो। को वे आर यू गोइंग रिस्ट्रिक्ट। थोड़ा शांत रहो, थोड़ा शांत रहो। और मुझे लगा पैसे निकले उसमें से, 500 का नोट। कि अगर आपको बहुत दिन पहले से आप स्टार्ट कर रहे हो पैकिंग करना, और क्योंकि अभी दिन बाकी हैं और आपको पहनने हैं वो कपड़े जो आप लेकर भी जाना चाहते हो और आपको अभी पहनने भी हैं, तो आप वो वाले कपड़े पहले से निकाल के थोड़े से अलग कर दो जो आपको पता है कि आपको नहीं पहनने, एंड आपका थोड़ा सा लाइक आई वुड से 5% यू आर सॉर्टेड। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी वार्डरोब है एंड मैंने यहाँ पर कुछ कपड़े निकाल के ऑलरेडी रख दिए हैं, लाइक ये वाले। तो इससे क्या होगा कि मुझे एटलीस्ट पता है कि ये वाले कपड़े तो मुझे पहले रखने हैं। नाउ दैट ओनली फ्यू डेज, अ कपल ऑफ डेज आर लेफ्ट फॉर मी टू गो, सो नाउ आई विल पैक माई थिंग्स एंड आई विल टेल यू द अदर 4 एसेंशियल्स इसके अलावा जो आपको बेसिकली प्रिपेयर करना है ले जाने के लिए। लाइक वन इज़ योर क्लोथ्स, लाइक क्लोथ्स डिपार्टमेंट, देन इज़ योर टॉयलेटरीज पैकेज, देन इज़ योर मेकअप पाउच ऑफ कोर्स इफ़ यू आर अ फीमेल, एंड द फोर्थ वन इज़ योर फुटवेयर। तो लाइक आई वॉन्ट टू गिव यू द फुल एक्सपीरियंस ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द पैकिंग टू द एयरपोर्ट ट्रांसफ़र। एयरपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं आजकल, वो सारा ओवरव्यू देना चाहती हूँ, एंड ऑफकोर्स आई विल शो यू द प्लेस वेयर आई एम गोइंग। तो पहले मैं ये वाले कपड़े निकाल लेती हूँ एंड फिर आपको दिखाती हूँ। हेलो यू गाइस, सो आज से जो है मेरा ये ट्रिप का जो पूरा एक सीरीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो स्टार्ट होने वाला है, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज दिस वुड बी माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। जी हाँ, मैं मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप करने जा रही हूँ एंड सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट ऑल्सो कि मेरे भैया भाभी वहाँ पर रहते हैं एंड माई क्यूट लिटिल अमारा, दैट्स माई नीस, एंड उनसे मिलने भी जा रहे हैं, एंड दुबई भी एक अलग ही यू नो एक्साइटमेंट लेवल है बिकॉज ऑफ कोर्स जब पहली बार कहीं इंटरनेशनल जाते हो तो फिर आपको एक्साइटमेंट तो होता ही है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि पैकिंग वगैरह कैसे करनी है और कैसे अपने आप को बिल्कुल प्लान्ड रखना है एंड कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं करनी, तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, बिकॉज मैं अपना ये सारी चीज़ें करूँगी तो आपको दिखाऊँगी ही। तो चलिए देखते रहिए वीडियो और एंजॉय करिए, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो, आपको कोविड टेस्ट तो कराना ही है, तो कोविड टेस्ट होगा हमारा मतलब आज
से 2 दिन बाद, लाइक ट्यूसडे को है हमारी फ्लाइट, तो हमारा कोविड टेस्ट मंडे को होगा. बट आज मुझे थोड़ा सा हल्का सा फीवरिश लग रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली फीवरिश, मतलब टेम्परेचर ऐसे आया नहीं है, टच करूँगी तो कुछ नहीं है, बट अंदर से जो आपको कभी कभी फीवरिश लगता है ना, पर वो बाहर नहीं आता, पर अंदर से यू नो दैट यू आर नॉट वेल, तो वो वाली फीलिंग आ रही है. वो वाली फीलिंग थोड़ी थोड़ी मम्मी को भी है, बट वी आर जस्ट कीपिंग अ फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमको कुछ भी ना हो एंड वी आर ऑल सेफ एंड हम सेफली पहुँच जाएँ, बस पहुँच जाएँ. क्योंकि एक हमारा टेस्ट होना है अभी 48 आवर्स पहले, लाइक ट्रैवल से 48 आवर्स पहले, एंड फिर हमारा टेस्ट होना है एयरपोर्ट पे, एंड फिर हमारा टेस्ट होना है दुबई एयरपोर्ट पे. तो 3 टेस्ट हमको झेलने हैं. सो फिंगर्स क्रॉस सब कुछ सही आए, एंड आई नो सब कुछ सही होगा. तो चलिए मैं आपको आगे की पैकिंग अब दिखाती हूँ. एक और चीज़ है ना जो आपने, इग्नोर माय हेयर पहले, तो एक और चीज़ है ना जो आपने अभी, वैसे मैं आज नहाई नहीं हूँ कल ही नहाऊँगी, क्योंकि कल हमारा पार्लर का सेशन होने वाला है सैलून का, तो जाने से पहले अपना होलिया ठीक करेंगे, तो वो सेशन होने वाला है, इसलिए ऐसी हालत हो रखी है अभी, तो कल ही नहाऊँगी. एंड एक मैं आपको चीज़ बताना चाहती थी बिफोर पैकिंग, दैट वेन एवर यू आर पैकिंग फॉर समवेयर, कहीं के लिए भी आप पैकिंग कर रहे हो, आप अपने जो पहनने वाले कपड़े हैं वो पहले से अलग कर दो. आई नो इट इज़ अ वेरी सिंपल टिप, बहुत सारे लोग आप में से करते भी होंगे, बट बहुत सारे लोग जो नहीं करते होंगे या नहीं पता कि कैसे मैनेज करना है, उनके लिए कि आपको जो पहनना है वो आप पहले से ही साइड में रख दो एंड निकाल के, सो दैट कि जब आप, कई बार ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है कि वो पैक कर देते हैं, देन दे रियलाइज कि ओ जो मुझे पहनना था वो तो इसी के अंदर है, फिर सारा निकालो. तो जस्ट टू अवॉइड दैट, कीप दोज क्लोथ्स आउटसाइड, योर फुटवेयर, इवन योर एक्सेसरीज, जो आपने इयररिंग्स पहनने हैं, जो आपने मेकअप करना है, क्योंकि बाकी सारा मेकअप आप क्या करते हो, आप रख सकते हो प्रॉपर पैक करके, बट जो लगाने वाला मेकअप है, लाइक जो एंड एंड में चीज़ें आपको बस लगा के डंप करनी होती हैं, लाइक कोई क्रीम हो गया, कोई मॉइस्चराइज़र हो गया, तो वो आप एंड के लिए रखिए बाहर. बाकी सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको पैक कर देनी चाहिए, वो आप पैक कर दो. तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ थोड़ा सा कि क्या क्या चीज़ें हैं. लाइट ऑन. तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कपड़ों के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि रखनी है मुझे. अभी मैंने सब कुछ निकाल के रखा हुआ है, लेकिन अभी आधी से ज़्यादा चीज़ें अंदर ही हैं, तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये है सारा सामान, ये मेरा सूटकेस, ऑफ कोर्स इसमें अभी और भी बहुत सारे कपड़े आने हैं, एंड ये मैं अपने कपड़े जो है वो रख लिए हैं, कुछ कुछ जो है शायद अभी थोड़ा और कुछ, पर हाँ जो मुझे पता था वो मैंने ऑलरेडी इसमें डाल लिया है. एंड ये जो चीज़ें हैं, ये सारी यहाँ पे चीज़ें, ये अभी पैक करनी है. तो इसमें बेसिकली मेरा जो है मेकअप रहेगा, मेरा कुछ एसेंशियल्स रहेंगे, एंड या बाय द वे अभी मैंने लॉन्जरी पैक नहीं किया है, वो भी पैक करना बाकी है. तो मेरे पास ये वाला है ऐसा विक्टोरिया सीक्रेट का एक पाउच, ठीक है, ऐसे वाले ना बड़े ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, बिकॉज आप क्या करते हो उसमें अपनी सारी चीज़ें, जो मेकअप का सामान है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप रख सकते हैं, तो काफ़ी ये स्पेशियस है एंड काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है. मेरी जैसे ये वाला भी एक पाउच है, पर मैं सोच रही हूँ कि ये वाले पाउच में जो चीज़ें हैं वो मैं सीधा इसी में ही रख दूँ, मतलब फालतू में दो दो चीज़ें ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक्स्ट्रा सामान ही बढ़ेगा, ठीक है. ये वाला जो, अगर आपके पास इस तरह के कोई पाउचेस हैं तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं, लाइक अगर आपको आपके लिपस्टिक्स हैं या और कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि एक ही जगह पे आपको मिल जानी चाहिए सारी, तो ये आप उसके लिए यूज़ कर लो, ये इसके अंदर ईजिली आ जाएगा, ठीक है, ये इसलिए है. ओके, एंड देन मेरा है यहाँ पे विक्टोरिया सीक्रेट का मॉइस्चराइज़र, ये ट्रैवल पैक जैसा ही है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये आसानी से आ जाएगा. मेरे, मैंने इस तरह के ना पाउचेस, एक्चुअली अर्बैनिक का है, एंड अर्बैनिक से मैंने कुछ इयररिंग्स वगैरह मंगाई थी. तो क्या होता है कि इस तरह के पाउचेस में आप, जैसे मेरे ये इयररिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें रखी हैं, तो ये इसमें इजीली आ जाता है और आपके ना खोता नहीं है. अगर आप इसको इस बॉक्स में रखोगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इधर उधर सब मिक्सअप हो जाएगा. बट अगर आप पहले इसको इस तरह के किसी पाउच में रख के एंड देन इसके अंदर रखोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा. सेम वे मेरा ये वाला एक, मैंने बॉक्स तो बैकोज का है, इसके अंदर कुछ आया था, बट इसके अंदर ना मैंने ऐसे छोटी छोटी चीज़ें अपनी रखी हैं, जैसे कि अभी आप देखो यहाँ पे ये मेरे मेरा क्या है, ये ब्रेसलेट है, देन ये वाला मेरे जो है कुछ नेक पीसेज हैं जो मैं अपने अलग अलग ड्रेसेस के साथ पहनने वाली हूँ, ये भी एक नेक पीस है. तो ये इस तरह की चीज़ें ना इसमें काफ़ी सेफ रहती हैं,
तो ये वाला मैं इसी में लेकर जाऊंगी एंड इसको ऐसे ही मैं इसके अंदर रख लूँगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है मेरा एक ये वाला पाउच भी है जो इसके साथ ही मिला था एक्चुअली, तो इसके अंदर था ये, तो इसमें भी मैं अपनी कुछ चीज़ें रख लूँगी। जैसे इसमें मैं परफ्यूम रख सकती हूँ अगर मेरे पास कुछ है तो, या फिर मैं अपनी कोई छोटी मिनी लिपस्टिक्स या फिर अपने से आई शैडो पैलेट होता है वो वाली चीज़ें मैं इसमें रख सकती हूँ, तो वो काफ़ी सेफ़ रहेंगी। और ये मैंने कुछ शनेल के परफ्यूम मैंने लिए हैं अपने भैया भाभी के लिए, तो जब तक तो ये वीडियो आएगा तब तक तो उनको ये मिल जाएंगे। ये इसमें एक ही है, लाइक ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें एक ही है। तो एक भैया भाभी को दूंगी, एक मम्मी को दे दूंगी अभी जब वो आएंगी तो। और ये मेरे कुछ नेक पीसेज हैं जो मैंने ड्रेसेस के साथ पहनने के लिए रखूँगी, अभी और भी रखूँगी, अभी तो मैंने इतने ही निकाले हैं। और ये वाला बैग मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला बैग जो है दिस इज़ मैंगो एंड ये मुझे भैया भाभी ने ही गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे लास्ट ईयर 2021 में, एंड ये न्यू है, इसको मैंने अभी तक खोला नहीं है, तो इसके अंदर से भी दिखा देती हूँ आपको कैसा है ये। इसमें एक ये इस तरीके की बेल्ट है, मैंने खुद भी नहीं देखा अभी तक इसको खोल के, क्योंकि शायद इसी ट्रिप के लिए रख रखा था, ये वहाँ पे यूज़ करूँगी, तो ये काफ़ी अच्छा बैग है। इस पर मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज़ फ्रॉम मैंगो। ये सारी चीज़ें हैं एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड एज यू कैन सी, और बहुत सारी चीज़ें अभी पैक भी करनी है एंड वो जो ऊपर आपको एक हैमलेस का पैक दिख जाएगा वो मैंने अपनी नीस के लिए और वहाँ पे एक दो बच्चे और हैं उनके लिए कुछ छोटा मोटा कुछ लिया है, ज़्यादा नहीं, तो ये है। और अभी जब पूरा जैसे जैसे और चीज़ें पैक करूँगी, हाँ एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये वाला जो है ना, चलो ये तो ईयरिंग्स है, ये वाला मैंने बॉम्बे शेविंग कंपनी से ऑर्डर किया था, या एक बॉम्बे शेविंग एक कंपनी है, फोकस, यस बॉम्बे शेविंग कंपनी है, एंड इसमें ना ये आपको ये मिल जाते हैं, मतलब रेज़र, यू नो वेमेन फीमेल्स के लिए हैं, देन पोस्ट शेव बाम है ये, ठीक है। पोस्ट शेव बाम तो मैंने तो यूज़ नहीं किया, इसमें एक दो चीज़ें और आई थी, ठीक है। इनका जो रेज़र है ना ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी जब इसमें सारी चीज़ें पैक करूंगी ना तो दिखाऊंगी कैसा है रेज़र, तो ये कभी आपको डिटेल्स चाहिए होंगी तो फिर मैं बता दूंगी आपको कि ये कैसा है। एंड इसमें मुझे ये पाउच मिला है बॉम्बे शेविंग कंपनी का, ये पाउच, दिस इज़ फॉर टॉयलेटरीज, ठीक है। आपका ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, और आपका रेज़र हो गया, और भी चीज़ें जो आप यू नो सम फेस सॉरी फेस टिश्यूज़, तो चलो ठीक है फेस टिश्यूज़ भी रख सकते हैं, खैर इसमें आएंगे नहीं, फेस टिश्यूज़ का मेरा अलग से पैक है वो दिखाऊंगी। आपका वो हो गया, और क्या चीज़ें होती हैं आपकी टूथपेस्ट, हाँ फेस वॉश हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है जो कि आप वॉशरूम में यूज़ करते हो, बेसिकली बाथरूम में वॉशरूम में, वो आप चीज़ें इसमें रख सकते हो, तो मैं इसमें रखूँगी। तो ये मेरे पास था ऑलरेडी एंड मुझे याद भी था कि है, तो इसलिए मैंने ख़रीदा नहीं है कुछ भी अलग से, तो सारी चीज़ें। और मेरा एक्चुअली ये फंडा है कि अगर मैं जा रही हूँ वहाँ पे तो मैं यहाँ से कम चीज़ें लेके जाऊँ, ताकि अगर मुझे वहाँ से कुछ ख़रीद के लाना है तो मेरे पास बैग में स्पेस हो। सो दैट्स हाउ आई प्लान माई थिंग्स एंड तो मेरा बेसिकली ये प्लान है कि मैं यहाँ से उतनी ही चीज़ें लेके जाऊँ जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है, लाइक ज़्यादा भी नहीं एंड कम भी नहीं, ठीक है, जितने में मेरा काम हो जाए। बिकॉज़ क्या है कि मुझे वहाँ से अगर शॉपिंग करनी पड़े, जो कि मैं करूँगी विच आई एम श्योर ऑफ, तो मुझे शॉपिंग करनी पड़े तो मैं वो सामान ईजिली अपने बैग में रख के यहाँ पर ले आऊँ, और मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी ना हो जब मैं वो सारा सामान लूँ। तो दैट्स हाउ आई प्लान थिंग्स एंड इसलिए मैं यहाँ से सिर्फ मिनिमलिस्ट चीज़ें लेके जा रही हूँ, एंड वहाँ से क्या शॉपिंग करूँगी वहाँ का, तब तो खैर आप अब रोज़ देखोगी कि क्या 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 किया, कहाँ कहाँ गए एंड ऑल दैट। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ मैं आपको एक बार वो भी दिखा देती हूँ अपना, व्हाट डू यू कॉल इट, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स एक्चुअली, आई डोंट नो व्हाई आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, बट मेरा ये है एक व्हाट डू यू कॉल इट, टिशू, फेस टिशू, हैंड टिशू, आप जो भी इसको बोलो, ठीक है। ये है और दिस इज़ बाय मदर केयर, ठीक है। तो ये वाला पैक न्यू रखा था, आई डोंट नो, मेरे साथ ये है कि मैं कोई भी चीज़ है ना जल्दी से खोलती नहीं हूँ, मतलब अगर मैं कोई चीज़ नहीं ली है तो मैं उसे थोड़े दिन वैसे ही रखूँगी, लाइक पैड, ये मेरी आदत है और मैं उसको जल्दी से खोलती नहीं,
तो ये है, और मेरी वार्डरोब आप देख ही सकते हैं, तो इतनी भी ज़्यादा मेज़ड अप नहीं है, ठीक है अभी। एंड बहुत सारे कपड़े अभी मुझे लग रहा है और भी, मतलब मेरे तो शायद कपड़े नहीं हैं अब ज़्यादा, बट बाकी चीज़ें जो होती हैं वो अंडर गारमेंट्स एंड ऑल। हाँ, अंडर गारमेंट्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास किस टाइप के हैं। एंड तो ये है मेरा अंडर गारमेंट्स का स्पेशल सेक्शन जो कि दूसरे कबर्ड में है, एंड ये मैं लेकर जाऊंगी। तो इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी हैं, जो कि मैं वहाँ पे यूज़ करना चाहती हूँ। तो ऑफ कोर्स ये मेरी जो है ब्रा है, पैडेड ब्रा, नॉट लाइक फुली पैडेड, एंड दिस इज़ लाइक फुली पैडेड, दिस वन इज़ रियली गुड, दिस इज़ बाय मार्क्स एंड स्पेंसर, ओके, दिस इज़ सम ब्रांड फ्रॉम ज़िवामे, ठीक है। ये वाला मुझे बहुत पसंद है, मैंने अब तक यूज़ भी नहीं किया है। ये वाला जो है ये है H&M से, इनका ये जो ब्रांड है, तो ये काफ़ी अच्छा है। आई शो यू हाउ इट इज़, दिस इज़ लाइक दिस, इस तरीके की है ये, मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल लाइक अनकम्फर्टेबल स्टफ़, दिस इज़ वेरी वेरी कम्फर्टेबल स्टफ़। एंड ये खाली इसमें हल्के पैड्स हैं, इसमें जो वायर वाली वो पैडिंग होती है ना वो नहीं है। एंड जो भी आपके डीप नेक्स हों और उसके लिए हों वो आप उसके लिए पहन सकते हैं, जैसे पीछे से भी बहुत डीप है ये, एंड ये सामने से भी बहुत डीप है, तो डीप नेक्स के साथ ये काफ़ी अच्छी आपको कवरेज देगा। एंड एज़ यू कैन सी, ये अभी तक मैंने इसको उतारा नहीं है, दिस इज़ फ्रॉम H&M, एंड ये मुझे मिला था 699 का, ठीक है। ये भी मैं लेके जाऊंगी, एंड प्रोबेबली मैं ये वाला भी लेके जाऊंगी, दिस इज़ फ्रॉम मार्क्स एंड स्पेंसर, दिस इज़ फुली पैडेड वायर्ड ब्रा, ओके। एक और मेरा न्यू है जो मैंने अभी तक नहीं पहना, ये भी आई थिंक सम ब्रांड फ्रॉम ज़िवामे, ये वाला भी लेके जा सकती हूँ, लेट्स सी। एक्चुअली जो ऐसे वाले कलर्स होते हैं न्यूड कलर्स, ये आपके बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चल जाते हैं, तो ये मैं लेके जाऊंगी, ये सारा मैं लेके जाऊंगी। एक मेरे पास, अच्छा चलो खैर वो तो नहीं लेके जाऊंगी मैं, वो नहीं दिखाती आपको। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माय पैंटीज, तो फिर ये वाली जो है मैंने H&M से ली थी, दीज आर ऑल्सो वेरी नाइस, सी द कलर, एंड दीज आर ऑल्सो वेरी नाइस। कैमरे पे शायद उतना अच्छा कलर इसका नहीं आ रहा है, बट दिस इज़ वेरी नाइस पीच, नॉट रियल वाला पीच बट अच्छा वाला पीच है ये, ब्राउन नहीं है, इसमें ब्राउन दिख रहा है आपको कैमरा पे। एंड दिस वन इज़ ब्लैक एंड दिस वन इज़ वाइट, ये एक्चुअली 4 का सेट आता है, एक मैंने यूज़ कर लिया, पता नहीं वो कहाँ पर है, तो ये 4 का सेट आता है। एंड ये इस तरह के बड़े चीज़ें हैं पेपर पैक में करके आता है, एंड ये कितने का था आई डोंट इवन रिमेम्बर, एंड इस पर लिखा भी नहीं है, पर ठीक है अगर आप बोलोगे तो फिर मैं लिंक कर दूँगी कि कितने का था ये। तो ये भी मैं लेके जाने वाली हूँ, सॉक्स वगैरह की आई डोंट थिंक आई वुड नीड मच, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके के बैग्स जो कि बड़े बैग्स होते हैं जिसमें आपका बहुत सारा सामान जाता है, बेसिकली कपड़े एंड ऑल, वो आपका चेक इन में चला जाता है, और बेसिकली जो आप अपने साथ कैरी करते हो, लाइक आपके लैपटॉप हो गया, चार्जर्स हो गए, कुछ भी चीज़ जिसमें बैटरी है, ठीक है, आपका हैंड बैग हो गया, वो आप चीज़ें जो है अपने साथ केबिन में लेके जाते हो। तो बेसिकली होता क्या है कि आप जब चेक इन करते हो तो आपका जो लगेज है वो 30 kgs अलाउड है, ठीक है, 30 kgs मतलब आपके आपके कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते, आप 30 kgs तक लेके जा सकते हो, 30 kg के बाद अगर आप लेते हो तो दे चार्ज यू एक्स्ट्रा, तो 30 kgs तक का आपका जो है बैग अलाउड होता है पर पर्सन, तो आप 30 kg लेके जा सकते हो। लाइक हम लोग जो हैं 3 लोग जाएंगे तो हम लोग 30 30 30, लाइक इतना हमारा अलाउड होगा बिकॉज 30 per person अलाउड है। एंड जो केबिन होता है वो 7 kgs अलाउड होता है, तो 777 मतलब 21 kgs ओवरऑल लेके जा सकते हैं, 7 kg per person, तो आई थिंक इससे तो हमारा बहुत ही कम होगा, सो उसकी कोई टेंशन नहीं है। बाकी ये था मेरा आज का पैकिंग डे, एंड कल मेरा सैलून डे है, अगर हो पाया तो वो भी आपको दिखाऊंगी, वरना फिर मैं आपको सीधे मिलूंगी, सॉरी।
वरना आपको सीधे मिलूंगी मैं एयरपोर्ट पे, एंड हो सकता है उससे पहले का भी कुछ शूट कर लूँ तो वो दिखा दूंगी. एंड या दैट्स इट. आई एम सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एक्साइटेड टू शो यू माई ट्रिप. सो आई विल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.